क्योंकि स्वभाव धीरे धीरे, कहते हैं ना, आप जब किसी के साथ ज्यादा रहते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ आदतें आप में आती है। हर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, उनके मित्रों की आदतें, कुछ ऐसे शब्द जो उनके मित्र इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को इस्तेमाल करने की आदत हो जाती है। होती है कि नहीं? सबके साथ थोड़ी बहुत हरकतें फिर मिलने लग जाती है, तो धीरे धीरे उसके साथ सोच मिलने लगती है। सोच जब एक हो जाएगी तो स्वभाव एक हो जाएगा। तो अभी नहीं करते, करोगे। इसीलिए संगत जरूरी है। आप पर निर्भर करता है कि आपको जीवन में क्या करना है। ये बात कहते हैं ना आजकल, ये बहुत प्रचलित वाक्य हो गया है, ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपने मन से जीनी है। जिए, जितने मन से जीना है, खुद विचार कर कर कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है। एक साधारण सा जीवन चाहिए कि जन्म लिया, पढ़े, मौज मस्ती की, शादी की, बच्चे हुए, मर गए, क्या है ये जीवन। ऐसा जीना है तो जो मन में आए करो, पर कुछ ऐसा करना है कि आपके पीठ पीछे लोग यही कहें, आपके सामने भले ही आपकी तारीफ ना करें पर आपके पीठ पीछे जरूर कहे कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर कर गया। उसके लिए संगत अच्छी होनी चाहिए। जैसी संगत में रहोगे वैसे कार्य करोगे। इसलिए तो माता पिता कई बार सोचते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं उनकी संगत में उनके बच्चे रहे। क्यों? क्योंकि वो अधिकतर समय पढ़ाई की बातें करेंगे, आगे बढ़ने की बातें करेंगे, जीवन में कुछ बड़ा करने की बातें करेंगे। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहोगे जिन्हें कुछ करना नहीं है, आप पढ़ भी रहे होंगे तो आपको कहेंगे अरे क्या पढ़ना, छोड़ो ना, कहीं घूमने चलते हैं, क्या होगा इतना कर। तो संगत बहुत महत्व रखती है। तो अगर भला का संग हो तो सारे काम भले ही भले होते हैं। और इस कथा में भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का नाम है, तो अगर भगवान मेरे साथ है तो इस कथा में भाव आ सकता है, वाणी में भाव आ सकता है, वरना मेरे पास तो पोल ही पोल है महाराज, गुण तो कुछ है नहीं। तो पर भगवान की अगर कृपा हो जाए इस विश्वास के साथ, फिर तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य कर जाते। कहते हैं कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, कि अगर भगवान की कृपा हो जाए कि मूक होई वाचाल, जो जन्म जात गूंगा है, बोल नहीं सकता, बहुत अच्छी बोली बोलने लगता है, और पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, और जो दिव्यांग है, चल फिर नहीं सकते, वो दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। सिर्फ भगवान की कृपा हो जाए तो यही प्रार्थना है आप सभी से कि अगर कोई गलती हो जाए इन 7 दिनों में तो घर का बालक समझकर मुझे क्षमादान दे दीजिएगा। और घर का बालक इसलिए कहा कि घर के बच्चे, छोटे बच्चे अस्पष्ट बोली बोलते हैं, तोतली भाषा बोलते हैं, कुछ गलत शब्द भी कह देते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता को अच्छे लगते हैं। कहते ना, जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितवरु माता। इसीलिए कहा कि घर का बालक समझकर अगर कुछ गलत बात लग जाए आपको तो घर का बालक समझकर क्षमादान दे दीजिएगा। आइए, और एक बात और, आज तक आपने बच्चों को बहुत पढ़ाया, बहुत होमवर्क कराए, उनका दर्द आप शायद समझते नहीं, इन 7 दिनों में जरूर समझेंगे, क्योंकि आपको भी होमवर्क दिया जाएगा। तो 7 दिन यानी ये 7 दिन का ट्यूशन है आपका, जिसमें आपको भगवान की लीलाएं बताई जा रही है, और आपका होमवर्क ये होगा कि आपको आज जो भी कथाएं हो रही है, जिस दिन जो भी कथाएं होंगी उसके दूसरे दिन शुरुआत में उन कथाओं के बारे में बताना पड़ेगा कि पहले दिन कौन कौन सी कथाएं हुई,
और जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। इस कथा में सिर्फ मैं बोलने वाली नहीं हूं, बाकी कथाएं आपने सुनी होगी कि आप बैठकर सिर्फ सुन रहे हैं, यहां वार्तालाप होगा हर प्रसंग में, तो आपको भी बातें करनी पड़ेगी, शांत नहीं रहना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसीलिए शुरुआत में बता दिया कि आप ध्यान से कथा सुनिएगा ताकि आपको कथाएं याद रहे कल तक। तो महाराज आइए, भागवत जी के पहले स्तोत्र में वेदव्यास जी ने संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। संपूर्ण ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया, ये कहना गलत नहीं होगा। आइए पहले श्लोक को सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। शास्त्रों में भगवान के तीन स्वरूप बताए गए, सत चित और आनंद। अच्छा, अब ये जो प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं इसको कहा जाता है श्रीमद् भागवत का महत्तम। क्या कहते हैं? महत्तम यानी महत्व, महत्व सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें अभी आपको सुनने मिलेगी कुछ देर, क्योंकि ये महत्व समझाया जा रहा है कि महत्व क्या है और क्यों इसे भगवान कहा गया है कि भगवान का ही स्वरूप है। तो शास्त्रों में भगवान के तीन स्वरूप बताए गए हैं, सत चित्त और आनंद मिलाकर हुए सच्चिदानंद। भगवान को कहते सच्चिदानंद रूपाय, तो सत चित्त और आनंद। सत का मतलब क्या होता है? सच, सत्य। सत का अर्थ होता है सत्य। सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? यहाँ बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चंस आते हैं ना, दो दो मार्क्स की डेफिनेशन बताओ, दो लाइनें लिखनी पड़ती है डेफिनेशन। सत्य की परिभाषा क्या है बताइए, दो मार्क का क्वेश्चन। कौन है नहीं, क्या है, परिभाषा क्या है? के कहते ना ऐसा ये इसका मतलब सत्य होता है। तो सत्य की परिभाषा क्या है बताइए, इतने ज्ञानी बने फिरते हर जगह। नहीं पता? सत्य यानी जो कभी बदले ना, जो अडिग रहे, किसी भी परिस्थिति में ना बदलने वाले को सच कहते हैं। झूठ परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, इसीलिए कहते एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेगी आपको झूठ बदलना पड़ेगा, वो हर परिस्थिति में नहीं बैठे। सच के लिए ये नहीं करना पड़ता, सच हर जगह एक ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता, अडिग रहता है। तो सच यानी जो कभी बदले ना। अब बताए कौन है सच? भगवान, जो कभी बदलते नहीं। क्यों? क्योंकि आप और हम यहां नहीं थे तब भी वे थे, तभी आप उनकी कथाएं सुन रहे हैं, क्योंकि तब हम और आप नहीं थे, पर ये कथाएं तब की है। आप और हम यहां हैं तब भी वे हैं। आज भी हम आए दिन भक्तों की बातें सुनते हैं, किसी ने कैसे महसूस किया, किसी को कैसे भगवान ने ये बताया कि वो है, उसे महसूस हुआ, कुछ हुआ, चमत्कार हुए, तो माने है कहीं ना कहीं वो। और आप और हम यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे, क्योंकि उसके बारे में श्रीमद् भागवत में बताया गया है, कल की अवतार होगा, लेकिन वो इतने वर्षों बाद होगा कि तब कौन क्या बना होगा पता नहीं।
जरूरी नहीं हर व्यक्ति इंसान के रूप में ही आए। तो जो कभी नहीं बदलता वो सत्य है और भगवान कभी नहीं बदलते, बल्कि और सारी चीजें हर समय बदलती रहती है और बदलती भी ऐसे है कि आप बता भी नहीं सकते कि कब बदल गए। जैसे कोई भी मुझे यहां बता सकता है कि उसने अपना बचपन कब छोड़ा, किस साल, किस हफ्ते, किस महीने, किस दिन, कि इस दिन या इस साल मैंने अपना बचपन छोड़ दिया, कोई बता सकता है? बचपन छूटता चला गया, कब जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा और अंत में फिर सोचेंगे जीवन में क्या किया, सच में क्या किया। चलिए, धन कमाना बहुत जरूरी है, इस बात का अर्थ मैं जो कह रही हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप धन ना कमाएं, धन आज के समय में काफी जरूरी है, उसके बिना जीवन नहीं चल सकता, लेकिन उसके पीछे इतने लग जाना कि कोई अच्छे कार्य नहीं करना, अच्छा कर्म नहीं करना, सेवा नहीं करना, तो उसके कारण अर्थ है कि आपने जीवन में क्या किया कि जब अंत समय आएगा यमराज आपके सामने खड़े हैं और आप कहोगे कि मैंने करोड़ों कमाए हैं, कितने ही, 500, 1000, 2000, 10000, कितने ही करोड़ कमाए हैं, आप यमराज से कहोगे कि ये सारे पैसे ले लो, मुझे एक मिनट एक्स्ट्रा दे, मिलेगा? क्या फायदा हुआ फिर? इतना कमाने के बाद, इतना सोर्स लगाने के बाद एक मिनट एक्स्ट्रा ना ले पाया, क्या फायदा इन चीजों का? इनमें इतना भी नहीं पढ़ना कि हम अच्छे कर्म करना छोड़ दे और अंत समय आए तब दिमाग में आए कि अच्छे कर्म तो किए ही नहीं। ऊपर जिन चीजों की जरूरत है उस चीजों के लिए तो कुछ किया ही नहीं और नीचे जिन चीजों की जरूरत है वो दरी की दरी रह जाएंगी, यही की यही रह जाएगी, उसके बाद कौन इस्तेमाल करेगा भगवान जाने, मेहनत मैंने की और इस्तेमाल कोई और कर गया। तो बात तो यही हुई, ना यहां के रहे ना वहां के रहे, यहां भी जीवन भर मेहनत करते रहे धन कमाने में, ऊपर जाकर अच्छे कम किए, नहीं तो नरक गए दोनों जगह ही। तो आश्रय उसका लीजिए जो सत्य है, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपको धोखा नहीं देगा, बदलेगा नहीं। लोग कहते हैं कि आप सब कहते हैं कि भगवान सत्य है, पर भगवान तो दिखते नहीं, संसार असत्य है पर संसार तो साफ साफ दिखता है, हर चीजें होती हुई दिखती है। उसका एक ही जवाब है, कौन सत्य है कौन नहीं ये नहीं देखना, सत्य क्या है उसकी परिभाषा पे जो ठीक बैठ जाए वो सत्य है। सत्य यानी जो कभी बदले ना, संसार यानी मोह, धन, रिश्ते, ये सारी चीजें। अब एक छोटा बच्चा है, छोटे से बच्चे के सामने एक तरफ 50 लाख रुपए रख दो, एक तरफ कुछ खिलौने रख दो, वो क्या उठाएगा? जोर से कहिए, खिलौने। आप क्या उठाएंगे? बदल गया ना, एक ही जीवन में दो चीजें बदल गई, तो सत्य कैसे हुआ? पैसा अगर सच्चा होता तो बचपन में भी पैसे ही उठाते, जवानी में, अब जवानी में चलिए आपने पैसे उठाए, आपने कहा आप उठाएंगे पैसे, बुढ़ापे में जब आपको ये पता चले कि जीवन के कुछ दिन बचे हैं, वो कुछ दिनों में दो चीजें मिल रही है, या तो करोड़ों रुपए मिल रहे हैं या वो कुछ दिन आपको आपके पूरे परिवार के साथ समय बिताने को मिल रहा है, क्या चुनोगे? परिवार, क्योंकि तब लगेगा अब इन पैसों का कोई मोल नहीं, आधार बदलता गया, कभी किसी के पीछे कभी किसी के पीछे, लेकिन जन्म से लेके मृत्यु तक एक ऐसी चीज बताइए जो कभी नहीं बदलेगी, भगवान। छोटे से बच्चे को सिखाते हैं जय जय करो, वो हाथ जोड़ लेता है और अंत मरते तक आप भगवान का फिर नाम लेते हैं कि भाई भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा। तो जीवन भर एक ही ऐसा आधार था जो कभी बदला नहीं। तो
आश्रय उसका लीजिए जो कभी बदले। अब आश्रय ले तो कैसे ले, यानी भगवान की कृपा हम पर कैसे हो, भगवान को वश में कैसे करें कि हमारे वश में आ गया। चलिए भगवान को वश करना बहुत बड़ी बात है, वश में करना छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। इंसान को वश में कैसे करते हैं, किसी भी व्यक्ति को आपको वश में करना है कि आप जो बोले वो वही करें, कैसे करोगे? उसकी कोई कमजोरी पकड़, वो व्यक्ति वश में आ गया, जो कहोगे वो ही करेगा। तो भगवान की कम, क्योंकि स्वभाव धीरे धीरे, कहते हैं ना, आप जब किसी के साथ ज्यादा रहते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ आदतें आप में आती है। हर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, उनके मित्रों की आदतें, कुछ ऐसे शब्द जो उनके मित्र इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को इस्तेमाल करने की आदत हो जाती है, होती है कि नहीं सबके साथ, थोड़ी बहुत हरकतें फिर मिलने लग जाती है, तो धीरे धीरे उसके साथ सोच मिलने लगती है। सोच जब एक हो जाएगी तो स्वभाव एक हो जाएगा। तो अभी नहीं करते करोगे, इसीलिए संगत जरूरी है। आप पर निर्भर करता है कि आपको जीवन में क्या करना है। ये बात कहते हैं ना आजकल, ये बहुत प्रचलित वाक्य हो गया है, ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपने मन से जीनी है। जिए जितने मन से जीना है, खुद विचार कर कर कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है। एक साधारण सा जीवन चाहिए कि जन्म लिया, पढ़े, मौज मस्ती की, शादी की, बच्चे हुए, मर गए, क्या है ये जीवन? ऐसा जीना है तो जो मन में आए करो, पर कुछ ऐसा करना है कि आपके पीठ पीछे लोग यही कहें, आपके सामने भले ही आपकी तारीफ ना करें पर आपके पीठ पीछे जरूर कहे कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर कर गया। उसके लिए संगत अच्छी होनी चाहिए, जैसी संगत में रहोगे वैसे कार्य करोगे। इसलिए तो माता पिता कई बार सोचते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं उनकी संगत में उनके बच्चे रहे। क्यों? क्योंकि वो अधिकतर समय पढ़ाई की बातें करेंगे, आगे बढ़ने की बातें करेंगे, जीवन में कुछ बड़ा करने की बातें करेंगे। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहोगे जिन्हें कुछ करना नहीं है, आप पढ़ भी रहे होंगे तो आपको कहेंगे अरे क्या पढ़ना, छोड़ो ना, कहीं घूमने चलते हैं, क्या होगा इतना करकर। तो संगत बहुत महत्व रखती है। तो अगर भला का संग हो तो सारे काम भले ही भले होते हैं। और इस कथा में भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का नाम है, तो अगर भगवान मेरे साथ है तो इस कथा में भाव आ सकता है, वाणी में भाव आ सकता है, वरना मेरे पास तो पोल ही पोल है महाराज, गुण तो कुछ है नहीं। तो पर भगवान की अगर कृपा हो जाए इस विश्वास के साथ, फिर तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य कर जाते, कहते हैं कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन, कि अगर भगवान की कृपा हो जाए कि मूक होई वाचाल, जो जन्मजात गूंगा है, बोल नहीं सकता, बहुत अच्छी बोली बोलने लगता है, और पंगु चढ़ई गिरवर गहन, और जो दिव्यांग है, चल फिर नहीं सकते, वो दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, सिर्फ भगवान की कृपा हो जाए तो। तो यही प्रार्थना है आप सभी से कि अगर कोई गलती हो जाए इन 7 दिनों में तो घर का बालक समझकर मुझे क्षमादान दे दीजिएगा। और घर का बालक इसलिए कहा कि घर के बच्चे, छोटे बच्चे अस्पष्ट बोली बोलते हैं, तोतली भाषा बोलते हैं, कुछ गलत शब्द भी कह देते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता को अच्छे लगते हैं। कहते ना, जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितवरु माता। इसीलिए कहा कि घर का बालक समझकर अगर कुछ गलत बात लग जाए आपको तो घर का बालक समझकर क्षमादान दे दीजिएगा।
आइए। और एक बात और, आज तक आपने बच्चों को बहुत पढ़ाया, बहुत होमवर्क कराए, उनका दर्द आप शायद समझते नहीं, इन 7 दिनों में जरूर समझेंगे, क्योंकि आपको भी होमवर्क दिया जाएगा। तो 7 दिन यानी ये 7 दिन का ट्यूशन है आपका, जिसमें आपको भगवान की लीलाएं बताई जा रही है। और आपका होमवर्क ये होगा कि आपको आज जो भी कथाएं हो रही है, जिस दिन जो भी कथाएं होंगी, उसके दूसरे दिन शुरुआत में उन कथाओं के बारे में बताना पड़ेगा कि पहले दिन कौन कौन सी कथाएं हुई। और जब तक आप नहीं बताएंगे, तब तक उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। इस कथा में सिर्फ मैं बोलने वाली नहीं हूं, बाकी कथाएं आपने सुनी होगी कि आप बैठकर सिर्फ सुन रहे हैं, यहां वार्तालाप होगा हर प्रसंग में, तो आपको भी बातें करनी पड़ेगी, शांत नहीं रहना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसीलिए शुरुआत में बता दिया कि आप ध्यान से कथा सुनिएगा, ताकि आपको कथाएं याद रहे कल तक। तो महाराज आइए, भागवत जी के पहले स्तोत्र में वेदव्यास जी ने संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया।